आज संध्याकाळची 12:30 अप अझानुद्दीन एक्सप्रेस ही नागपूरवरतून निघाली होती आणि मलकापूरच्या जवळपास आल्याच्यानंतर त्यामध्ये कर्तव्यावरती असणारे टी सी शशिकुमार शिवशंकर प्रसाद हे भुसावळचे आहेत आणि ते त्या डबेमध्ये जात असताना तेथील लोकांनी कंप्लेंट केली की याच्या अगोदरच एक टी सी येऊन गेले आणि ते टी सी तिकीट चेक करत आहेत आणि पैसेही मागत आहेत. याची खात्री करण्याकरता ते टी सी आणि टी सींनी त्या व्यक्तीला शोधलं आणि त्या व्यक्तीकडे चौकशी केली असता त्या व्यक्तीच्या गळ्यामध्ये इंडियन रेल्वेची जी आयकार्डची रिबिन असे ती रिबिन होती, परंतु आयकार्ड चेक केला असा ते हेल्थ डिपार्टमेंटचं आयकार्ड होतं आणि ते नागपूरच्या हेल्थ डिपार्टमेंटमध्ये क्लर्क म्हणून कामाला असल्याबाबतचं हे ते आयकार्ड होतं. त्याबाबत आम्ही खात्री करत आहोत सर्व काही. ही ज्युरिडिक्शन जी आहे ती मलकापूर हे शेगाव रेल्वे पोलीस स्टेशनच्या अंडर येत असल्याने सदरबाबत आम्ही टी सी यांच्या तक्रारीनुसार 00 नंबरने भुसावळ रेल्वे पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करून शेगाव रेल्वे पोलीस स्टेशनला वर्ग करत आहोत. आणि अशी माहिती मिळत आहे की त्यांच्यावरती यापूर्वी 2005 गुन्हा दाखल आहे. अजून चौकशीमध्ये किती गुन्हे दाखल वगैरे आहेत याबाबतची माहिती आम्ही घेत आहोत. सर्व प्रवाशांना मी विनंती करू इच्छितो की जर अशा प्रकारचा प्रकार निदर्शनास आला किंवा आपल्यास आढळून आल्यास तात्काळ रेल्वे हेल्पलाईन नंबर 139 किंवा नजदीकचे पोलीस स्टेशनला जर संपर्क केला तर GRP आणि RPF सदैव आपल्याला मदत करतील. धन्यवाद. त्याचं अनिल गोपाळराव वाघमारे नागपूर राहणार नागपूर हे आहे. आज मैं 12130 अप आज़ादी एक्सप्रेस में ऑन ड्यूटी था. नागपुर से भुसावल के बीच मेरी ड्यूटी थी. मेरे अंदर में S2 S3 S4 S5 कुछ थे. मैं S2 के आसपास में कोच चेक कर रहा था तभी एक अन्य यात्री ने मुझे आकर बताया कि सर मुझे एक व्यक्ति पर शक है, वो टिकट की जांच कर रहा है जबकि मुझे लग रहा है वो TT नहीं है, कृपया करके आप भी पता कर लें. यात्रियों के कहने पर मैं जाकर पता किया तो शक के आधार पर मैं जब जाँचा तो पाया कि वो TT नहीं थे, वो एक अन्य यात्री थे जिनकी ऑलरेडी रिजर्वेशन थी लेकिन वो अपने सीट पर नहीं पाए गए थे. उनकी रिजर्वेशन नागपुर से पुणे के बीच में थी लेकिन वर्धा के आसपास जब मैं चेक किया तो वो मुझे नहीं मिले तो मैंने उनको एंट्री कर दिया. बाद में मलकापुर से गाड़ी निकलने के बाद वही यात्री मुझे टिकट जाँच करते हुए पाए गए. उनके हाथ में 6-7 टिकटें भी थी जिनके यात्रियों की उन्होंने जमा करके हाथ में रखी हुई थी और यात्रियों से पैसे की डिमांड कर रहे थे. ये जब मैं यात्रियों से पूछा कि क्या आपसे पैसे की डिमांड किया जा रहा था, यात्रियों ने वीडियो में बताया कि हाँ यार सर उसने मेरे से पैसे की डिमांड किया, उन्होंने बोला आपको पैसे भरने पड़ेंगे. ये सब पता करने के बाद मैं उनको अन्य यात्रियों अपने अपने सहकर्मी को मैंने बुलाया, श्री योगेश अंबटवार साहब और श्री पृथ्वीराज तांबे साहब को बुलाया. फिर हम दोनों ने मिलकर अच्छे से जाँच पड़ताल किया तथा उसके बाद अन्य यात्रियों का वीडियो निकाला. ये वीडियो की जानकारी मैंने कमर्शियल कंट्रोल भुसावल को दिया तथा अपने उच्च अधिकारियों को दिया मैंने. सर आप ये बताइए उसने कितने को चेक किया, कुछ ऐसी अब तक की जानकारी पहुंची? इतनी तो जानकारी नहीं ले पाया क्योंकि गाड़ी मलकापुर से खुलने के बाद 45 मिनट की जर्नी होती है. उसी 45 मिनट की जर्नी में हमने उनका वीडियो भी रिकॉर्डिंग निकाला यात्रियों का, उसी जो जालसाज TT था उसके बारे में पता भी किया तो उतना हमको टाइम नहीं मिल पाया कि उसके पास क्या जाँच किया क्या नहीं किया, कितने पैसे मिले, हम नहीं कर पाए जाँच. यात्रियों ने आपको जवाब दिया क्या वीडियो में कि इन्होंने? हाँ हाँ, मैंने यात्रियों से बाकायदा वीडियो में पूछा भी कि आपके टिकट इन्होंने लिए हैं या पैसे की डिमांड किए हैं. यात्रियों ने वीडियो में बाकायदा बताया है क्या इन्होंने मेरे टिकट जमा कर लिए और बोले आपको पैसे भरने पड़ेंगे, आपको पैसे देने हैं. आपकी ड्यूटी कहाँ से कहाँ तक? मेरी ड्यूटी नागपुर से भुसावल के बीच में थी. मतलब आपकी ड्यूटी भुसावल में खत्म? जी, मेरी ड्यूटी भुसावल में खत्म हो गई. और सर ऐसा कोई यात्री था क्या जिसने बताया कि इसने पैसे की डिमांड की या पैसे लिया? ऐसा कोई यात्री था? हाँ, वहाँ पर बहुत सारे 6-7 यात्री थे जिन्होंने बोला कि हाँ सर इन्होंने पैसे मांगे कि पैसे तुम भरो पैसे तुम भरो, जिसमें एक यात्री का मैंने गवाह के रूप में उनका नंबर भी लिया है. उस यात्री ने बोला कि हाँ मेरे सामने इन्होंने पैसे की डिमांड किया है तो टिकट जाँच किया है. कितने पैसे की मांग की है? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है. मैंने जितनी जो भी जानकारी थी मैंने अपने RPF स्टाफ और GRP स्टाफ को बता दिया. मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं यहाँ टिकट चेकिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ. मुझे जैसे ही घटना की जानकारी हुई मैं आया यहाँ पे और मैंने देखा कि मेरा जो स्टाफ है 12130 से आ रहा था, वो शशि कुमार उसका नाम है, भुसावल में हेड TT के पोस्ट पे वो कार्यरत है. तो मैंने उससे पूछा तो मुझे जानकारी मिली कि इस तरह की घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति है जो नागपुर से पुणे जा रहा था और मलकापुर के आसपास वो टिकट चेक करते हुए पाया गया. तो हमारा जो स्टाफ है शशि कुमार ने काफ़ी साहसिक कार्य किया है और IRTCS इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी होने के नाते मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और अपने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी देने की घोषणा करता हूं
और आगे जो हमारे अधिकारी हैं वहाँ तक भी मैं इनकी बात पहुँचाऊँगा और प्रयास करूँगा कि इनके जो साहसिक कार्य इन्होंने किया है उसके बदले भी इनको रेलवे भी कुछ अच्छे अवार्ड दे। और क्योंकि इन्होंने जाम जोखिम में दे के काम किया है, इनके साथ हमारे और सहकर्मी भी थे, पृथ्वीराज तांबे जी थे और योगेश अम्बडवार भी थे, उन्होंने भी इनकी सहायता की। लेकिन चूंकि इस तरह का कार्य बिना आरपीएफ और जीआरपी के बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, तो मैं इसे काफ़ी साहसिक और साहस से भरा हुआ कदम बताऊंगा इसका, जिन्होंने ये कदम उठाया और आगे यहाँ लाकर जीआरपी और आरपीएफ को सुपुर्द किया। सर, ये बात तो सही है। हाँ। लेकिन आप एक बात बताइए, अभी हर वक्त कुछ दिनों में ऐसा हर बार पता चलता है कि जाली तरीके से पैसा वसूला जा रहा है, टिकट जो है टीसी आ रहे हैं, नकली टीसी सामने आते आ रहे हैं, उनका उजागर आपके जैसे ही लोग करते हैं, लेकिन रेल प्रशासन किस तरह कोई कदम उठा रही है इस पे? देखिए सर, ऐसा है कि रेल प्रशासन इस तरह के मामलों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है कि हमारे कई सारे स्टेशन हैं और फेंसिंग नहीं है, और अंदर इस तरह का स्टाफ अगर रिजर्वेशन लेके आता है, सो या यात्री रिजर्वेशन लेके आता है, तो उसको डिटेक्ट करना, उसको पहचानना काफ़ी मुश्किल का काम है। इवन आरपीएफ या जीआरपीएफ स्टाफ या कोई भी विजिलेंस का स्टाफ भी, आप भी उनको नहीं पहचान सकते कि किस प्रवृत्ति का व्यक्ति बैठा हुआ है। आपके बाजू में हो सकता है रिजर्वेशन लिया हुआ हो और इस तरह की प्रवृत्ति हो, हालांकि उसका इंटेंशन, जैसा कि वो इंडियन रेलवे का पट्टे लगाकर वो जो है लेस लगाकर वो था, तो उसका इंटेंशन क्लियर है। जबकि ऑलरेडी इंडियन रेलवे में वो किसी भी तरह का कर्मचारी नहीं था, वो स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाला व्यक्ति अगर इंडियन रेलवे का लेस लगाकर अगर है, तो दैट मीन्स क्लियर है कि वो कुछ ना कुछ ये उसके मन में गलत है। सर, आए दिन भारत में रेलवे के मामले में ऐसे बहुत से सारे केसेस सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे नकली टीसी पकड़े जा रहे हैं, तो जो यात्रीगण है वो असली टीसी किस तरीके से पहचानेंगे, उनके ऊपर क्या उनके अधिकार है, वो पूछ सकते हैं टीसी को कि हमारा राइट्स क्या है करके? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। असली टीसी देखिए, एक थोड़ा भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो आई कार्ड की मांग कर सकता है, एक उसके पास बैच होते हैं वो बैच देख सकता है, उसके पास रसीदें होती है, आपका पूरा राइट है, आपका पूरा अधिकार है। अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका पूरा हक है, अधिकार है कि आप उस स्टाफ से उसकी जानकारी ले, चाहे वो टिकट चेकिंग स्टाफ ही नहीं, पेंट्री कार स्टाफ भी है, तो आप उसे जानकारी ले सकते हैं कि आप कौन है। ऐसे मामले में कुछ हेल्पलाइन नंबर होगी जो आप हेल्पलाइन नंबर भी है 139 नंबर, और हमारा कमर्शियल कंट्रोल रहता है जो हमारे मदद करने के लिए तत्पर रहता है। रेल मदद जैसी ऐप है जिसपे अगर आप इस तरह की कोई भी घटना का जिक्र करेंगे तो आपको आरपीएफ टीटी और सब सहायता एक साथ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी रेलवे के द्वारा। सर, वो जो यात्रियों को असुविधा हुई है प्रवास के अंदर, जो ट्रेन में प्रवास कर रहे थे यात्री, उनको जो असुविधा हुई है उसके लिए रेल प्रशासन क्या करेंगे? असुविधा हुई है तो अरेस्ट तो हो ही चुका है आदमी, तो आगे की कार्रवाई अब रेलवे क्या करती है, अब उससे तो अब वहाँ तो फिर जाकर वापस उसे सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन आगे रेलवे ने तो कदम उठाया ही है, आरपीएफ ने भी काफ़ी सहायता की, जीआरपी ने भी काफ़ी सहायता की, सहयोगात्मक करवाया है इन लोगों का, तो बैग जाके तो अब उसमें पास्ट में तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऑलरेडी जब